अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये आप तब भी बना सकते हैं जब आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ब्रेड ली है मैंने एक, जिसके मैंने साइडों से उसके कॉर्नर्स उतार दिए हैं और ये मैंने रख दिए हैं, इसके हम क्रम्स बनाएंगे। और बंद गोभी ली थी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी, एक छोटी प्लेट आप ले लें। और चिकन मैंने लिया है एक ब्रेस्ट पीस, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ पानी डाला था और बॉईल कर लिया था। प्याज लिए हैं मैंने एक, और अंडे मैंने लिए हैं चार। पाउडर ब्लैक पेपर चाहिए होगा, नमक और केचप चाहिए होगी। चलें चलते हैं और अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। मैंने एक पैन लिया था और इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए हैं, टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है। और इसके बीच में इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। तो जी, हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे। और अब मैं इसके बीच में 1 टेबल स्पून पाउडर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। अभी तक तो ये सारा हमारा जो काम हो रहा है ये हाई फ्लेम पे हो रहा है। तो जी, मैंने इसमें पाउडर ब्लैक पेपर डाल के 1 मिनट के लिए इसको मिक्स किया था और अब मैं इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर रही हूँ। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम से थोड़ी सी कम कर दी है, कि लो भी ना हो और मीडियम भी ना हो, इन दोनों के दरमियानी हो। और इसको मैं 3 मिनट्स के लिए मिक्स करूँगी ताकि हमारे जो ये प्याज हैं ये सॉफ्ट हो जाएँ, और फिर बाकी स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। तो जी, 3 मिनट्स हो चुके हैं और ये मिक्स हो चुका है। प्याज जो हमारे हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसके बीच में 1/2 टेबल स्पून नमक का ऐड किया है और इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसके बीच में चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है, और आप लोग 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी, जो कि 4 टेबल स्पून है, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। मैं अब आपके साथ अपना एक इवेंट शेयर करती हूँ। मेरे कॉलेज में कुकिंग कंपटीशन था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी लड़कियों ने बहुत कुछ बनाया, किसी ने बिरयानी बनाई, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन मैंने बनाए थे चिकन ब्रेड रोल, यही वाले जो मैं आपको सिखा रही हूँ। और जब मैंने बनाए और मेरी आई उसमें 1st पोजीशन, और मुझे आइसक्रीम सेट गिफ्ट में मिला था। मेरी सारी टीचर्स ने ये रेसिपी मुझसे ली थी और कॉलेज की काफ़ी लड़कियों ने ये रेसिपी ली, और आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, बातें तो बहुत हो गई हैं और हमारी ये स्टफिंग भी तैयार होने के करीब है। तो जी, इसमें मैं पाउडर ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून और डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था और मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1/2 टेबल स्पून और डाल दिया। मैं ये स्टफिंग स्पाइसी बना रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। तो जी, अब बारी आती है इसमें केचप ऐड करने की, और मैं इसके बीच में चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं और फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, और इसको अब हम मिक्स करेंगे और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
तो जी स्टफिंग जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैं इसमें कैबेज यानी कि बंद को भी ऐड करूँगी। एक छोटी गोल प्लेट ली थी मैंने। तो जी अब इसमें कैबेज ऐड कर रहे हैं, बहुत ही थोड़ी सी ली थी मैंने, ना होने के बराबर चिकन में ऐड होके पता नहीं लगेगा कि ये डाली हुई है। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल यकजान हो जाएगा। तो जी अब हमारी स्टफिंग जो है पूरी अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। तो अब चलते हैं इसके रोल बनाने की तरफ, जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था, और देखते हैं कि ये स्टफिंग ब्रेड में किस तरह से रोल होगी और इसके रोल्स किस तरह से बनेंगे। तो जी मैंने ब्रेड का एक पीस लिया है और उसको हल्का हल्का पानी के साथ मैं वेट कर रही हूँ कि गीले भी ना हों और थोड़े थोड़े से वेट भी हो जाएं। और इसी तरह करके मैं इसको रखती जाऊँगी, हल्का हल्का पानी लगाएंगे, वेट करते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो जी ये मटेरियल जो है ये मैंने मैदे और पानी के साथ रेडी किया था। मैदा लिया था मैंने 2 टेबल स्पून और पानी इतना ऐड किया था कि इसका थोड़ा थोड़ा सा ये गाढ़ा टाइप बन चुका है। ये यूज़ होगा रोल को बाइंड करने के लिए, ये लगा के हमारे जो रोल हैं अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और खुलेंगे नहीं। एक हमने ब्रेड का पीस लिया है और उसके बीच में 1 टेबल स्पून जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो लगाई, और फिर उसके ऊपर ये जो हमने मैदे का बनाया है ये लगा के हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखें हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर हल्का हल्का सा प्रेस करके अपनी फिंगर की टिप से हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और फुल इसकी जो है गोल शेप आ चुकी है। और ये हमारा जो रोल है बिल्कुल ठीक और अच्छा सा रेडी हो चुका है, हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है। तो जी ये देखें इसको हमने रोल की शेप दे दी है और ये ऊपर से और नीचे से ये बंद है, इसकी स्टफिंग जो है बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह जो है हम सारे बना लेंगे, जो हमने मैदे का बैटर रेडी किया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और हमारे रोल जो हैं वो खुलेंगे नहीं। और स्टफिंग जो रेडी की थी वो डालेंगे। ये हमने डाल दिया है और इसको अब हम रोल कर लेंगे। ये देखें इसको अंदर की तरफ हमने प्रेस किया और इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया है, हल्के हाथ से हम इसको प्रेस कर रहे हैं और फिंगर के टिप से हमने इसको अंदर की तरफ प्रेस किया। तो जी ये देखें रोल की शेप आ चुकी है। इसी तरह से हम अपने बाकी सारे रेडी कर लेंगे। अब आ जाते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने की तरफ, जो ब्रेड पे लगाने के लिए यूज़ होंगे। ये जो मैंने इसके कॉर्नर्स अलग करके रखे हुए थे ये ज़ाया नहीं जाएंगे, इसके हम क्रम्स बनाएंगे। ये देखिए इसको हमने ब्लेंडर में डाला और इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो जी ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं और ये रोल पर लगाने के भी काम आएँगे, इसके अलावा ये टिक्कियों पे लगाने के भी काम आएंगे। जो आप दाल चिकन की टिक्कियाँ बनाते हैं या कोई आलू की टिक्की बनाते हैं तो ये उसके ऊपर भी लगाने के काम आएंगे। करना क्या होगा, आपने सिर्फ अंडा फेंटना है और वो जो शामी टिक्की है उसमें डिप करनी है और ये जो क्रम्स हैं इसके ऊपर आपने वो रोल कर देना है और उसको फ्राई कर लेना है। तो ये क्रम्स आपके बहुत ज़्यादा जगहों में काम आने वाले हैं। अब आते हैं चिकन ब्रेड रोल के फाइनल स्टेप की तरफ। रोल को आपने उठाया है, अंडे में डिप किया है अच्छा सा, और फिर उसके बाद आपने इसको क्रम्स लगाने हैं इस तरह से। अच्छे तरीके से आपने इसके हर तरफ क्रम्स लगा देने हैं, कोई जगह खाली ना रहे। तो जी ये देखें हमने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे।
देखिए मैंने सारे रोल्स के ऊपर क्रम्स लगा लिए हैं और जो ऑयल है वो मैंने फुल अच्छा वाला प्री हीट करके रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल किस तरह से पक रहा है। ऑयल आपका फुल अच्छा वाला गर्म होगा और उसके बीच में मैंने ये सारे जो हैं रोल डाल दिए हैं। थोड़े थोड़े करके डालूँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसको डालते साथ ही उनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो चुके हैं बिकॉज़ ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म है। अगर आपने ऑयल को नॉर्मल गर्म किया हुआ तो ये आपके रोल ख़राब हो जाएंगे, ऑयल इनके अंदर चला जाएगा। इसीलिए आपने ऑयल को बहुत अच्छा सा गर्म करके रखना है कि पकता हुआ आपका ऑयल हो और उसके बीच में आपने ये डालने हैं तो ये आपके बहुत अच्छे बनेंगे। इसी तरह मैं इन सारे रोल्स को फ्राई कर लूँगी और फिर फाइनल लुक आपके सामने होगी। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि इनका कलर डालते साथ ही कितनी तेज़ी से चेंज होता जा रहा है और ये इतनी तेज़ी से बनते जा रहे हैं क्योंकि मैंने ऑयल को बहुत अच्छा गर्म किया हुआ है और ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप उनके आगे रख सकते हैं, आप इनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जी मैं इनको अंदर से दिखाना तो भूल ही गई थी, तो ये बस दो ही बचे हैं तो आप लोग देख लें कि ये अंदर से बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, ऑयल इनके अंदर नहीं गया हुआ और कितने ज़्यादा कमाल के और डिलीशियस लग रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और ऑयल फ्री हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा।